हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बात करने वाला एम जी कॉमेट ईवी के बारे में। फ्रेंड्स के लॉन्च डेट से पहले फ्रेंड्स का जो ब्राउज़र है जो कि लेकआउट हो गया है, एंड मैं बात करने वाला हूँ जो एम जी की कॉमेट ईवी है फ्रेंड्स के अंदर हमें किस तरह के फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, बैटरी रेंज एंड और भी हमें किस तरह की डिटेल्स जो है हमें देखने को मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फिर जो एम जी की कॉमेट है जो कि हमें 230 किलोमीटर के सिंगल ड्राइव रेंज के साथ जो है हमें देखने को मिलती है। एंड फ्रेंड ये हमें एक वर्की प्रोफाइल के साथ जो कि हमें फोर सीटर लेआउट के साथ जो है हमें देखने को मिलेगी। एंड बात की जाए इसके फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो फ्रेंड्स के अंदर हमें क्लोज फ्रंट ग्रिल के साथ हमें फुल विथ एलईडी स्ट्रिप्स, लेग हेडलैम्प्स एंड प्रोमिनेंट बम्पर जो है वो हमें देखने को मिलेगा। एंड फ्रेंड्स के अंदर हमें लार्ज साइज डोर्स के साथ हमें स्पॉटी एलॉय व्हील्स एंड ये हमें फ्लैट रियर सक्शन के साथ जो है देखने को मिलेगी। एंड फ्रेंड्स के अंदर हमें टोटो फॉकल ऑप्शंस भी जो है हमें देखने को मिलेंगे। एंड अगर मैं इसके अदर स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करूं तो फ्रेंड्स के अंदर हमें डुअल 10.25 इंच की हमें स्क्रीन, जिसके अंदर हमें डस्क इन्फॉर्मेशन सिस्टम एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो देखने को मिलेगा। एंड फ्रेंड्स के अंदर हमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन, म्यूजिक कंट्रोल्स एंड रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट जैसे फीचर्स भी जो है हमें देखने को मिलने वाले हैं। एंड फ्रेंड्स के अंदर हमें सिंगल चार्ज के अंदर हमें जो 230 किलोमीटर के जो टायर रेंज देखने को मिलती है। एंड अगर मैं इसके चार्जिंग टाइमिंग के बारे में बात करूँ तो 7 आवर्स के अंदर जो है फुल चार्ज हो जाती है। एंड 5 आवर के अंदर ये हमें 10 से 80% जितनी जो कि इसके 3.3 किलोवाट का जो चार्जर है उसी के साथ जो है हमें देखने को मिलता है। तो फिलहाल इसके अंदर हमें इतने फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन है वो देखने को मिलते हैं। फ्रेंड और बेकर्स के बारे में कुछ नई इन्फॉर्मेशन आती है तो जल्दी मैं एक और नई वीडियो लेके आऊँगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। एंड फ्रेंड्स इधर से अगर आपको हमारे न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने हो तो फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।